तो गाइस एक सैड न्यूज है, हेनरी कैवल एज सुपरमैन अब हमें डीसीयू में देखने को नहीं मिलेंगे। हाल ही में अभी 15 दिसंबर को उन्होंने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने जेम्स गन और पीटर सेफ्रोन के साथ उन्होंने एक मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में ये कंफर्म हुआ कि हेनरी कैवल वाला सुपरमैन अब हमें डीसीयू में देखने को नहीं मिलेगा। और अभी हमें हाल ही में ही ब्लैक एडम मूवी में हेनरी कैवल एज सुपरमैन की वापसी देखने को मिली थी, लेकिन अब अचानक से इस तरह की न्यूज आना काफी डिप्रेसिंग लगता है। बट वेरी गुड विशेस है जेम्स गन जी के साथ कि वो डीसीयू के लिए कुछ नया सोच रहे हैं। व्हाटएवर, बट अब देखने की बात यह है कि हमें हेनरी कैवल के अलावा अब नेक्स्ट सुपरमैन कौन देखने को मिलेगा।